तीन दिनों दुल्हन बाजार का इलाका अपराधियों के लिए सेफ जोन बन गया है। बेखौफ बाइक सवार अपराधी आते हैं, एक नहीं तीन नहीं बल्कि पांच गोली सामने वाले के शरीर पर दागते हैं और बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। पुलिस को इनकी भनक घंटों बाद लगती है और तब उनके पास हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचता। ऐसे ही वाकया देर रात पंचुही के बगार में देखने को मिला। सरकुना निवासी पन्नू यादव का बेटा 20 वर्षीय उमेश यादव बगार के रास्ते से घर लौट रहा था। बाइक पर सवार तीन अपराधी अचानक ही उनके सामने आ जाते हैं और एक के बाद एक करके पांच गोली उसके शरीर में उतार देते हैं। घटना को अंजाम देने के बाद बड़े आराम से निकल लेते हैं। युवक की मौत मौके पर ही हो जाती है। गोलियों की आवाज से भयभीत ग्रामीण इसकी सूचना दुल्हन बाजार थाने को देते हैं। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस मौका मुआयना करने के बाद शव को कब्जे में ले लेती है। इसके पश्चात शव को पोस्टमार्टम के लिए अनुमंडल अस्पताल पालीगंज भेजकर अपने काम की इतिश्री मानकर हाथ पे हाथ धरे बैठ जाती है। पुलिस के इस रवैये से ग्रामीणों ने काफी आक्रोश व्याप्त है। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस पर प्रहार करते हुए कहा कि पूरे थाना क्षेत्र में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है, अब लोगों को पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। लॉकडाउन में भी आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। ग्रामीणों ने बताया कि उमेश यादव पर एक साल पहले गांव के बुजुर्ग की हत्या का आरोप था। उमेश यादव सहित छह लोगों पर हत्या का मामला दर्ज था, उसमें उमेश यादव सहित पांच लोग आरोपी फरार चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट।